नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हर्षित सिंह, फार्मासिस्ट और ड्रग कंसल्टेंट। आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है शिवनीता टीवी के इस वीडियो में। दोस्तों, अगर आप एक मेडिकल स्टोर के संचालक हैं या फिर इन फ्यूचर आप एक मेडिकल स्टोर खोलना चाहते हैं या खोलने वाले हैं, तो आपके दिमाग में, आपके जहन में हमेशा एक बात रहती होगी, जो होती है कि आप अपने इस मेडिकल स्टोर से महीने में कितनी इनकम कर लेते हो। तो मैं आपको पहले बता दूं कि दोस्तों, ये जो मेडिकल स्टोर का जो बिज़नेस है, जो फार्मेसी का बिज़नेस होता है, ये कोई सैलरी इसमें नहीं मिलती है कि आपको महीने के आखिरी के 30 तारीख को आपको एक सैलरी मिल जाएगी, फिर महीने के 1 तारीख को आपको सैलरी मिल जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता। इसमें आपको पर डे पैसे मिलते हैं और आपको बहुत ज़्यादा आवश्यकता है कैलकुलेटिव होने की। आप अगर बिज़नेस कर रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव होना पड़ेगा। मैं आपको इस वीडियो में एक ऐसा तरीका बताने वाला हूं जिससे आप अपने पर डे की कमाई का एक अंदाज़ा लगा सकते हैं, जिससे कि आप मंथली इनकम को भी कैलकुलेट कर सकेंगे। दोस्तों, बड़ा ही आसान तरीका है, लेकिन आपको थोड़ा बहुत इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। इसमें क्या होता है दोस्तों, आप जब अपनी शॉप पर बैठते हैं सुबह से लेकर के शाम तक, तो आपको एक रजिस्टर मेंटेन करना पड़ेगा। उसमें क्या होगा, आप मंथ वाइज एक रजिस्टर बनाएं, जैसे जनवरी का रजिस्टर अलग, फरवरी का अलग, मार्च का अप्रैल अलग, ऐसे हर महीने का रजिस्टर अलग बनाएं। आप क्या करना पड़ेगा रजिस्टर में, मैं आपको ऐसे नहीं समझ पाएंगे, मैं आपको करके दिखाता हूँ, फिर आपको थोड़ा सा और आसानी होगी समझने में। दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया था रजिस्टर लेने के लिए, आप ये देख सकते हैं आपके सामने ये रजिस्टर्ड है और इसमें लिखा हुआ है जुलाई 2022, यानी कि इस रजिस्टर में, इस कॉपी में आप जुलाई के महीने में डे वाइज जितनी सेल करते हैं वो आपको इसमें लिखनी है। मैं आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। देखिए, जैसे मान लीजिए कि आज का दिन है और आज 17 तारीख है, तो आपको यहाँ पर सबसे ऊपर जो है 17, सातवां महीना और 2022, ये आपको मेंशन करने से क्या फ़ायदा हो कि आपको डे, कौन से डे में आपने कितनी इनकम की, उसका आपको एक अंदाज़ा लग जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब मान लीजिए कि आपने 17 तारीख के दिन आपने किसी कस्टमर को कोई दवा बेची, इसका नाम है मॉन्टेयर एलसी। अब देखिए, मान लीजिए कि आपने मॉन्टेयर एलसी बेची, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर ऐसा दिखाई गया मेरा भाई साहब जिससे दिखे कि मैंने क्या लिखा है। हाँ, तो आप जैसे मान लीजिए कि आपने 17 तारीख के डेट में मॉन्टेयर एलसी बेचा, तो आप यहाँ पर लिखें मॉन्टेयर एलसी। अब मान लीजिए मॉन्टेयर एलसी आपने कितना बेचा, आप मान लीजिए मॉन्टेयर एलसी आपने 2 स्ट्रिप बेचा है कस्टमर को, आपने 2 स्ट्रिप यहाँ पर मेंशन कर दी और 2 स्ट्रिप का दाम लगभग 610 रुपये हैं, तो 610 रुपये आपने यहाँ पर लिख दिया। फिर अगला कोई कस्टमर आया, आपने उस कस्टमर को कोई जो है सैनिटरी पैड बेचा, तो यहाँ पर लिख दिए सैनिटरी पैड, यहाँ पर आपका सैनिटरी पैड हो गया। आप लिए मान लीजिए सैनिटरी पैड 30 रुपये का बेचा, तो सैनिटरी पैड आपने 30 रुपये यहाँ मेंशन कर दिए। अब मान लीजिए कि आपने किसी अगला कस्टमर आया, आपने उसका नंबर लिखा और आपने मान लीजिए उसको डेक्सो रेंज सिरप बेचा, आप यहाँ पर मेंशन कर देंगे डेक्सो रेंज सिरप। कितना बेचा, मान लीजिए आपने 2 फाइल बेची, 2 फाइल का लगभग 170 रुपये कैसा कास्ट करता है, तो 240 रुपये ये हो गया। अब देखिए, इसमें करना क्या है, इसमें क्या चीज़ आपको देखनी है। मान लीजिए आपने मॉन्टेयर एलसी बेची, इसका दाम था 610 रुपये। अब देखिए, आपने कोई जनरिक दवा बेची, मान लीजिए आपने एल डी जेसिक एस पी आपने बेची, एल डी जेसिक एस पी आपने 1 स्ट्रिप बेचा, 1 स्ट्रिप का एल डी जेसिक का रेट लगभग 120 रुपये है, तो आपने मान लीजिए उसको बेच दिया। अब देखिए, इसमें करना क्या होता है, इसमें चीज़ कैसे आप अंदाजा कर लगाएंगे, जैसे मान लीजिए आपकी जो, आप एक फार्मूला समझ लीजिए पहले दिमाग में अपने, अगर कोई दवा है जो पेटेंट है, तो पेटेंट में आप मान के चलिए 20% मार्जिन आप मान के चलिए। अगर कोई दवा जेनरिक है तो उसमें आप लगभग 50% मार्जिन मान के चलिए। ठीक है, अगर कोई दवा, जैसे मान लीजिए मैंने बताया सैनिटरी पैड वगैरह है, तो सैनिटरी पैड में बहुत ज़्यादा 1-2 रुपये बचते हैं, तो उसमें वो तो अपने हिसाब से आप देख लेंगे। तो और कोई दवा जिस हिसाब से आपने बेचा, मान लीजिए सैनिटरी पैड बेचा, आपने विक्स बेचा, हॉलिक्स बेचा, उसमें मार्जिन बहुत कम मिलता है, तो उसमें आप मैक्सिमम 5 रुपये मांग के चलिए। अब देखिए करना क्या होता है, इसमें आपने कैलकुलेटर उठाया और ये जैसे 610 रुपये थे आपका, अब इसमें आपको 610 का 20% निकाल लेना है, मतलब आपका इसमें 122 रुपया बचा, तो आप यहाँ पर 122 रुपया लिख करके गोला घेर देंगे। अब ये जो सैनिटरी पैड था आपका, मान लीजिए इसमें कि 3 रुपया बच रहा है, तो आपने 3 रुपया लिखा सैनिटरी पैड, ये गोला घेर दिया। अभी आपने डेस्कोरे में बेचा 240 रुपया, 20% का कितना आएगा, 240 का 20% आपका आ जाएगा 48 रुपये, तो आपने यहाँ पर 48 रुपये लिख करके पीछे घिर दिया। अब ये एल डी एस सी एस पी है, ये जनरिक दवा है, 120 रुपये की आपने बेची, 120 रुपये का आपने अगर आपने एम आर पी में बेच दी है, तो इसका आप मान लीजिए 50% आपने ले लिया,
ये 60 रुपये आपके यहाँ पर लिख दिया। ऐसे ही जितनी भी दवाइयाँ आप बेचेंगे आप यहाँ पर उसको लिखते जाएंगे, MRP यहाँ लिख देंगे और साथ में जितना आपका प्रॉफिट हो रहा है। अगर वो ब्रांडेड है तो आप उसका 20% मान लीजिए, अगर वो जेनरिक है तो उसका 45 से लेकर 50% मान लीजिए, और अगर कोई ऐसे सैनिटरी पैड वगैरह जिसमें कम मार्जिन है, OTC टाइप के ब्रांड हैं, तो आप उस हिसाब से उसमें गेस कर लीजिए। अब इससे क्या होगा, मान लीजिए कि आपने ये दवा बेची, अब ये आपका आपने दिन भर में मान लीजिए 12,000 रुपये की सेल की, एक मोटा मोटा अनुमान मान लीजिए कि आपने 12,000 रुपये की सेल की। अब 12,000 रुपये की सेल आपने की, आपने जो जो आइटम उसमें बेचा आपने उसका परसेंटेज भी यहाँ आपने उसका जो है मार्जिन निकाल करके यहाँ पे कर लिया। अब हो सकता है कि आपका पेटेंट जो दो आपने बेचा उसमें 20% से अधिक आपको बच रहा हो, लेकिन फिर भी आपको 20% लिखना है क्योंकि आपके बहुत सारे खर्चे होते हैं उसमें, आपके लाइट खर्चे, आपका AC खर्चा, आपके बच्चों का खर्चा, जो लड़के यहाँ रहते हैं स्टाफ का खर्चा, आपका पर्सनल खर्चा, तो वो सारी चीज़ें हटा करके आपको 20% मान लीजिए। तो ऐसे कर करके आप यहाँ पर आपने सेल इतनी की और आपका बचत जो हुआ मान लीजिए आपका 2500 रुपये बच गया। तो इस तरीके से आप गेस कर सकते हैं, इस फार्मूले से आप गेस कर सकते हैं, अगर आपका दिन में 2500 रुपये बच रहा है इस फार्मूले पर, तो आप उसको 2500 को आप गुणा कर दीजिए 30 से महीने के हिसाब से, अगर आप चाहें तो आप जो है 2500 × 30 तो आपका लगभग 75,000 रुपये आपके एक महीने से इनकम हो गया आपके फार्मेसी से। इसी हिसाब से आपकी सेल बढ़ सकती है, घट सकती है, डिपेंड करता है कि आपकी सेल कैसी हो रही है, आपने बेचा क्या है और उसमें कितना परसेंट मार्जिन आपने कमाया है। तो ये एक तरीका है जिसके माध्यम से आप अपनी एक दिन की इनकम का अंदाज़ा लगा सकते हैं और आप एक दिन के इनकम से आप पूरे महीने की इनकम का भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये बहुत ही सरल और बहुत ही अच्छा तरीका है। और इसके अलावा एक और तरीका है जो कि आप लोग अगर चाहें तो कर सकते हैं, आपको मार्ग ऐप का इस्तेमाल करना है। मार्ग ऐप के ज़रिए अगर आप मार्ग ऐप अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर लेते हैं और जितनी भी दवाइयाँ आपने ख़रीदी हैं उसका बिल आपने अगर मार्ग ऐप में चढ़ा दिया है अच्छे तरीके से, तो वो भी आपको बता सकेगा कि आपने एक दिन में कितने परसेंट की कमाई की है और आपका महीने का कितना इनकम हो रहा है। तो ये तरीके थे जिसकी वजह से आप समझ सकते हैं कि आपकी एक दिन की इनकम कितनी है और उसके हिसाब से आप अपने पूरे महीने की इनकम को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। दोस्तों ये कुछ आगे पीछे हो सकता है, लेकिन ये एक बहुत ही सटीक, बहुत ही अच्छा आइडिया है जो अगर आप अपने मेडिकल शॉप पे इंप्लीमेंट करेंगे तो आपको बिल्कुल लाभ होगा। दोस्तों साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि मैंने एक कोर्स लॉन्च किया है जिसका नाम है शिवनीता मेडिकल स्टोर कोर्स। इस कोर्स में मैं ऐसे लोगों की हेल्प करता हूं जो इन फ्यूचर मेडिकल स्टोर तो खोलना चाहते हैं लेकिन उन्हें किसी भी प्रकार का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है। मैं इस कोर्स में बताता हूं कि आपको ड्रग लाइसेंस कैसे बनवाना है, उसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, आप जब पहली बार मेडिकल स्टोर खोलने जा रहे हैं तो आप आखिर कौन कौन सी दवाइयां हैं जो आप अपने मेडिकल स्टोर में रखेंगे, और सबसे बड़ा चैलेंज कि डॉक्टर का पर्चा कैसे बढ़ाता है, डॉक्टर मैनेजमेंट, कस्टमर मैनेजमेंट, सारी चीज़ों के बारे में मैं इस कोर्स में जो है बात करता हूँ। और ये कोर्स मात्र 11 का कोर्स होता है और ये क्लासेस जो है मैं Zoom ऐप के माध्यम से लेता हूं। और अगर आखिर में बात करूं इसकी फ़ीस की तो इसकी फ़ीस है मात्र 100 रुपये। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अगर आप मेडिकल स्टोर खोलना चाहते हैं और मेडिकल स्टोर खोलने से पहले सारी चीज़ें जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो मेरे इस दिए हुए WhatsApp नंबर पर मुझे कॉल करें या मुझे WhatsApp करें, मैं या मेरी टीम आपका कॉल उठाएगी और आपकी पूरी सहायता की जाएगी। और आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कर दें और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो ये चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें ताकि मैं जो भी नए वीडियोस बनाऊं उसका अपडेट एटलीस्ट आपके फ़ोन तक सबसे पहले पहुँच सके। तो मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक लिए आप सभी दोस्तों का, सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत धन्यवाद।